और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान हमेशा अपने दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं और अपने समय समय पर दर्शकों का भरपूर मदद करते हैं। ऐसे ही एक और नए दरिया दिली का किस्सा सबके सामने आ रहा है। दरअसल हम बात करें सलमान खान की सबसे चर्चित शो 10 का दम के बात की कर रहे हैं। 10 के दम में सलमान खान ने कोलकाता निवासी पिंकी शाह का भरपूर मदद किया है। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे एपिसोड में कोलकाता निवासी पिंकी शाह नजर आई थी। पिंकी पेशे से सेल्स गर्ल्स थी। हालांकि पिंकी ने इस शो में टिके रहने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन उनके मन मुताबिक कुछ भी नहीं हो पाया। पिंकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो सिर्फ 20,000 जीत पाई। इसके बाद पिंकी काफी टूट गई। सलमान खान ने पिंकी के परेशानी को देखते हुए उनसे बात की। पिंकी ने बताया कि उनकी बेटी पैसों की कमी की वजह से किसी एनजीओ स्कूल में पढ़ती है। साथ ही पिंकी ने कहा कि हर माँ बाप की उनकी इच्छा होती है कि उनकी बेटी उनके साथ अच्छे स्कूल में पढ़े, और इस पर सलमान खान ने पिंकी की बेटी का पढ़ाई का सारा जिम्मा उठा लिया है। वैसे आपको बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म रेस 3 के प्रमोशन में जोर शोर से लगे हुए हैं। दरअसल ईद के मौके पर पूरे भारत में एक साथ प्रदर्शित हो रही है। आपको बता दें कि फिल्म में सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस, अनिल कपूर, बॉबी देओल, डेजी शाह जैसे मजे हुए कलाकार फिल्म में नजर आने वाले हैं।